सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? मुझे प्रभु में पूरा भरोसा है कि आप लोगों को प्रभु ने अच्छी नींद दी है और सुबह उठने के लिए मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद बोलूंगी कि प्रभु यीशु, आपने मेरे लोगों को अच्छी नींद प्रदान किया और प्रभु चीन और मेरे लोगों को एक नए दिन में लाने के लिए आपने मदद किया प्रभु, क्योंकि आप हमेशा हमारे लोगों पर अपनी दया अपनी करुणा करते हो। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री निरंतर जो प्रार्थना को करती है मेरे खुदावन, उस प्रार्थना का उत्तर आप मेरे लोगों के जीवन में देते हैं मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ जीवते खुदावन पर ही है मेरे खुदा। आप अपने लोगों को कभी ना छोड़ते और कभी ना त्यागते हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आदि और अंत आप ही हो मेरे खुदा, अल्फा और ओमेगा आप ही हो मेरे प्रभु जी, दूतों की स्तुति आप ही हो मेरे प्रभु, बुद्धि और सब ज्ञान आप ही के द्वारा प्राप्त होती है। यीशु आप महान हो, यीशु आप सच्चे हो, यीशु आप जिंदे खुदावन हो, यीशु आप धन्य हो। यीशु की स्तुति सदा की है। बुद्धि और सब ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आप ही के द्वारा हमें मिलती है। राजाओं के राजा आप हो, प्रभुओं के प्रभु आप हो यीशु राजा। हालेलुया, मेरे दिल में हर रोज का आनंद आप ही देते हो। इस दुनिया के सारे दुख और संकट को हमसे दूर करके और हमें हर पापों से छुड़ाकर अपने आनंद से भरते और अपने लहू से धोकर शुद्ध करते हो। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उद्धार का मार्ग सिर्फ और सिर्फ यीशु ही है। ओ प्रभु जी, आज मेरे लोगों को उद्धार को दीजिए। मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। आपके नाम की मैं हुसैना बोलती हूँ। यीशु के नाम से हुसैना हो। शक्ति और अद्भुत शक्ति आप में है। यीशु के लहू में बड़े बड़े कार्य होते हैं। यीशु के लहू से हर एक काम सिद्ध होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। होसैना हो, होसैना हो यीशु के नाम की। वर्दी, 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 यू आर वर्दी, यू आर वर्दी। किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, यू आर वर्दी। किंग ऑफ किंग, लॉर्ड, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। आई प्रेज यू, आई प्रेज यू। होली, यू आर होली, होली, यू आर होली। जीसस, यू आर जीसस, यू आर होली। वर्दी, वर्दी, यू आर वर्दी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सब उस अपने अब्बा पिता को धन्यवाद बोलते हैं। उसकी हम महिमा करते हैं, उसके आत्मा को हम जय जयकार करते हैं। यीशु ही है जो सर्वशक्तिमान है। यीशु ही हमें अपने हाथों में उठाकर और हमें लेकर चलाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद बोलूंगी, प्रभु को मैं धन्यवाद बोलूंगी, प्रभु के नाम को मैं ऊंचा करूंगी। प्रभु जी, आज मेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य को कीजिए मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु, हालेलुया। ओ प्रभु, आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु जी अपने लोगों से प्रेम करते हो। उस प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, उस प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों वाले के मन में हर्षित करने वाले परमेश्वर आप हो। ओ मेरे यहोवा, मैं आपको जय जयकार बोलती हूँ प्रभु जी। आपको जय जयकार हो। मैं आपके नाम को ऊँचा करती हूँ प्रभु। सबों के लिए भला और सारी सृष्टि पर दया करने वाले परमेश्वर आप हो। सबको जीवन देने वाले परमेश्वर आप हो। मनुष्य को प्रभु जी अपने हाथों से बनाने वाले परमेश्वर आप हो। सब प्राणियों के आहार सिर्फ तृप्त करने सिर्फ और सिर्फ आप ही हो मेरे प्रभु जी। और प्यासी भूमि पर जल बहाने वाले सिर्फ आप हो। सूखी भूमि पर धाराएं बहाने वाले आप हो। समुद्र के जल को पुकार के धरती पर बहाने वाले आप हो। हालेलुया, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर पानी बरसाने वाले आप हो प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। भूखों को रोटी देने वाले आप हो। अपने डरवैयों को आहार देने वाले हो प्रभु जी। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। भोलों की रक्षा करते हो प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदा। प्रभु, जब मैं हम सब वचन की ओर जाते हैं प्रभु, तो प्रभु आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान दीजिए।
वचनों को पढ़कर और उस पर चलने वाले हों। आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम सब आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, और ये सुबह के समय में जब वचन को हम सुनते हैं मेरे प्रियो, सच में प्रभु आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा भलाई कार्य करेंगे। तो आइए आज की वचन को हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय से हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय से हम देखेंगे, लिखा है 12 वचन से, 7 अध्याय और 12 वचन से। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहे। धन्यवाद ओ परमेश्वर पिता, तेरे लोगों के जीवन में भलाई को मैं मांगता हूँ प्रभु। तेरी करुणा तेरे लोगों के जीवन में आने के लिए सुबह के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, अपने लोगों के ऊपर तरस खाकर प्रभु उनके जीवन में अपनी करुणा को दे दीजिए परमेश्वर पिता। सच में आज इस भोर के समय प्रभु तेरे लोग जब तुझे पुकारते हैं प्रभु, अपने अपने प्रभु हृदय को खोलते हैं प्रभु, मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है, जो मुझे पुकारता है, जो मुझे खोजता है, वो मुझे पाता है। सच में प्रभु आज इस समय प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों के ऊपर तरस खाइए और अपने लोगों के ऊपर दया कीजिए। और इस सुबह के समय में प्रभु तेरे लोग तेरी सुनकर प्रभु मगन और आनंदित होने पाए, और जो लोग बीमार में हैं चंगाई दीजिए, जो लोग निराश में हैं आशा दीजिए, और जो लोग डरे हुए हैं प्रभु उनके लिए भी परमेश्वर आप मदद कीजिए। डर भय की आत्मा सब दूर होने पाए और तेरे लोग परमेश्वर तुझे महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं आपने प्रार्थना को सुना और प्रभु आशीष करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। आपके बेटे और आपके बेटियों को आशीष मिले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन प्रभु जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं इस स्थान से, उसको सुनकर उत्तर दीजिए प्रभु अपने वचन के अनुसार, और तेरे लोग प्रभु तेरे वचन के अनुसार आशीषित होने पाए। धन्यवाद मेरे पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे राजा आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। सेनाओं के यहोवा बड़े बड़े कार्य कीजिए और आशीष कीजिए परमेश्वर। छू लीजिए और मदद कीजिए, सहायता को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। छू लीजिए, आने जाने में मदद कीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना में बने रहिए निरंतर और प्रार्थना करते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि प्रभु आपको आशीष करे। और कमेंट करना ना भूलिए आपके जीवन में जो अनुभव करते हैं हर रोज प्रार्थना में, और प्रभु ने अगर आपके जीवन में कोई गवाही दिया है तो उसको भी आप गवाहियों को भी हमसे बांट सकते हैं ताकि प्रभु आपको आशीष करें गवाहियों के द्वारा, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। और आप लोग जो प्रे टावर बन रहा है उसके लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहिए, लगातार उसके लिए आप लोग
प्रार्थना में रखिए, और अगर आप भी प्रार्थना भवन के लिए अपने योगदान को देना चाहते हैं या प्रभु के समीप अपने उत्तम भेंट को देना चाहते हैं ताकि प्रार्थना भवन बनने में आपका योगदान हो, तो आप भी उसमें अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपको भी आशीष करेंगे, आपके परिवार को भी आशीष करेंगे। तो बने रहिए हर रोज की प्रार्थना में, प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, और सबको एक और बार दिल से गुड मॉर्निंग। प्रभु आपको आशीष करें। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि इन दिनों में मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्रे टावर बन रहा है और काम शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं जो भी काम है सारा चल रहा है यहाँ पे और ये सारा। तो आप लोग भी प्रार्थना करते रहिए ताकि ये बहुत जल्द से जल्द बन के तैयार हो, और जो भी आर्थिक चीज़ें हैं इसमें वो पूरा हो आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा। और अगर परमेश्वर के भवन में कोई भी कुछ भी आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अपने योगदान को और बीज बोना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं ताकि इसके द्वारा तमाम लोग आशीषित हों, और जो भी यहाँ पे फ़ोन आएगा उसमें भी परमेश्वर मदद करे या उनको जीवन में आशीष करे, तो आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं और प्रभु ज़रूर आपको भी आशीष करेंगे। और जल्द से जल्द ये प्रार्थना कीजिए कि ये बन के तैयार हो और प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।